हे ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस इज अतिया जैना फ्रॉम बेस्ट एक्सप्लानशन पॉइंट एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू ट्रांसफॉर्म सिम्पल सेंटेंसेज इंटू कंपाउंड सेंटेंसेज एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इंटू कंपाउंड सेंटेंसेज दैट मींस टूडे यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट अ कंपाउंड सेंटेंस वेदर इट इज टू री राइट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स और फ्रॉम सिम्पल और इस वीडियो को मैं बनाने जा रही हूँ सयानडे के कहने पर इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं मैं आपको पहले बता दूं मैंने सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं चाहे वो कॉम्प्लेक्स से हो और चाहे वो कंपाउंड से हो इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इसके बाद मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं चाहे वो सिंपल से बनाना हो और चाहे वो कंपाउंड से बनाना हो यानी कुल मिला के मैं आपको सिखा चुकी चूँकि दो वीडियोज़ की हेल्प से या दो या चार वीडियोज होंगी जिसकी हेल्प से मैंने आपको सिखाया है कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं राइट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ट्रांसफॉर्म सिंपल let's टाइम started तो सबसे पहले आपको यह सीखना है कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं, राइट right? तो कंपाउंड सेंटेंसेस की दो पहचान होती है पहली ये कि इन सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस होते हैं नाउ व्हाट इज क्लॉज क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट सब्जेक्ट एंड अ वर्ब For example, he is ill, therefore he cannot go for the picnic. Now you can see, here are two small small sentences. He is ill, he cannot go for the picnic. And we have combined these two small small sentences with the help of a conjunction, right? अब जो ये छोटे छोटे sentences होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं clauses, right? इनको sentence ना बोल के clause कहते हैं. इनको क्यों sentence नहीं कह सकते हम क्योंकि sentence तो ये पूरा क्या लाएगा ना, he से लेकर picnic तक राइट right. तो जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं इनको हम लोग कहते हैं क्लॉज राइट तो सबसे पहली पहचान क्या होती है कंपाउंड सेंटेस की कि इनमें हमेशा दो क्लॉजेस या कभी कभी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं राइट right. तो पहली पहचान होती है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस होते हैं राइट सेकेंड पहचान ये होती है कि दोनों ही क्लॉजेस जिन कंजंक्शन से जुड़े होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं ये आपको बहुत डिटेल में नहीं समझना है कौन कौन से होते हैं ये आपको समझना है राइट right? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हो फैन बॉयज एंड देर फोर अब ये फैन बॉयज एक शॉर्ट नेम है जिसको आपको याद करना पड़ेगा इसका एक्सपैंड फॉर्म एफ से फोर एंड नॉर बट और येट सो एंड देर फोर ये सारे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो भाई ये कंपाउंड सेंटेंसेस में ही को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किए जाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंसेस की कितनी पहचान हो गई दो पहली क्या कि दो क्लॉजेस आने चाहिए ओके okay. एंड दोनों के बीच कंजंक्शंस कौन से आने चाहिए केवल को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं फैन बॉयज एंड देयर फोर ठीक है कौन से नहीं यूज़ कर सकते हैं कंजंक्शंस या अगर आप यूज़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा आप बिकॉज यूज़ नहीं कर सकते विच नहीं यूज़ कर सकते जितने भी डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं वो नहीं यूज़ कर सकते यानी स्ट्रिक्टली आपको दो क्लॉज को कंबाइन करने के लिए अगर आपको उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको कंजंक्शन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग Co कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं फैन बॉयज़ और एक और कौन सा होता है अलग से देयर तो अब आप चाहे आपको सिंपल सेंटेंस दिया गया है जिसमें कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होता एक ही क्लॉज होता है अगर इससे कंपाउंड में आना है आपको उसको कंपाउंड में चेंज करना है ट्रांसफॉर्म करना है तो भी आप फैन बॉयज़ कंजंक्शंस और देयर करके उसको बनाएंगे अगर आपको कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में आना है तो भी आप इन्हीं कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे फैन बॉयज का और दैर फोर का बस यही तरीका होता है कंपाउंड सेंटेंस बनाने का राइट right? अब इन फैन बॉयज में जितने भी कंजंक्शन आते हैं सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए तो पहला होता है फॉर आप बहुत ध्यान से समझेगा फॉर का मतलब यहाँ के लिए नहीं होता है फॉर यहाँ प्रपोजिशन नहीं है फॉर दो चीज़ें होती हैं भाई फॉर एक प्रेपोजिशन भी होता है और एक कंजंक्शन भी होता है यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि फैन बॉयज किसके बारे में बात कर रहे हैं कंजंक्शंस के बारे में तो ऑब्वियसली फॉर का मीनिंग के लिए आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए राइट right? फॉर का मीनिंग होता है बिकॉज और फॉर से पहले लगता है कॉमा तो जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस से चाहे वो आपको कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में आना हो और चाहे आपको सिंपल से कंपाउंड uh, में आना हो और आपको बिकॉज का सेंस लेना है तो आप बिकॉज तो लगा नहीं सकते हो कंपाउंड बनाने के लिए बिकॉज तो लगा नहीं सकते हो क्यों क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस में केवल कौन से कंजंक्शन आते हैं कोऑर्डिनेटिंग Co कंजंक्शन और देर फोर ओके तो अगर आपको बिकॉज लाना है तो आप मजबूरी है आपकी बिकॉज की जगह आपको कॉमा फॉर का यूज करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल ही कुड नॉट कम टू स्कूल कॉमा फॉर ही वॉज इल तो यहां पे फॉर का मतलब क्या है बिकॉज अंडरस्टूड द नेक्स्ट कंजंक्शन इज एंड एंड का मतलब होता है और जब कभी दो अलग अलग बातें दी गई हो सेंटेंस में उसको आपको कंबाइन करना हो राइट इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ये एक अलग काम है वो एक अलग काम है तो बस आप उसको एंड से जोड़ देते हैं फॉर एग्जाम्पल ही कम्प्लीटेड हिज वर्क एंड लेव द हाउस द सन रोज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट ओके सो लाइक दिस यू हैव टू एड टू क्लोजेस विद द हेल्प ऑफ एंड नेक्स्ट कंजंक्शन इज नॉर नॉर का मतलब होता है एंड नॉट एक नॉर आता है नाइदर नॉर के साथ उसकी मैं बात नहीं कर रही हूं मैं केवल नॉर की बात कर रही हूँ नॉर का मतलब होता है एंड नॉट राइट फॉर एग्जाम्पल आई डोंट एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू बी रूड नॉट डू एक्सपेक्ट टू बी डिसोबेड ना ही मैं चाहती हूँ कि चिल्ड्रन को रूड होना चाहिए और ना ही मैं उनसे डिसोबे होना चाहती हूँ राइट सो यू कैन सी एंड नॉट का सेंस आ रहा है तो वी हैव यूज नॉर द नेक्स्ट कंजंक्शन इज बट इसका मीनिंग लेकिन होता है आपको पहले से पता होगा कब यूज़ किया जाता है जब कभी भी आपको कंट्रास्ट की सिचुएशन दिखेगी वहां पे हम यूज़ करते हैं बट का फॉर एग्जाम्पल ऑल दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड यू कैन सी बोथ द क्लॉजेज आर इन कंट्रास्ट की मेहनत करी तब भी फेल हो गया तो इसी तरीके के जो क्लॉजेस आएंगे आपके सामने वहां पे आप यूज़ करोगे बट का ओके ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड यह सेंटेंस आपको मिल सकता है इंस्पाइट ऑफ बींग पुअर ही इज ऑनेस्ट इंस्पाइड ऑफ का मतलब क्या होता है के बावजूद तो इंस्पाइट ऑफ दिखेगा तो भी आपको बट लेके आना क्योंकि इंस्पाइड ऑफ इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ बट जो कि सिंपल सेंटेंस में आता है इंस्पाइट ऑफ वर्ब आई जी हम सिंपल में यूज करते हैं क्योंकि वहां हम बट नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में कोई कंजंक्शन नहीं यूज़ करना होता है राइट तो अगर आपको इंस्पाइट ऑफ वर्ब आई दिखेगा तो भी आप बट यूज़ करोगे फॉर मेकिंग कंपाउंड सेंटेंस और अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऑल दो येट का पेयर मिलेगा तो भी आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए बट का यूज करोगे द नेक्स्ट कंजाक्शन इज और और के यहाँ पे दो मीनिंग्स हो सकते हैं एक तो चॉइस या करके या फिर दूसरा मीनिंग होगा अदरवाइज और दूसरा ही मीनिंग सबसे ज्यादा ही आपसे सेंटेंस में पूछा जाता है और का मतलब होता है नहीं तो इंग्लिश में कहते हैं अदरवाइज जब कभी भी आपको एक्स सिचुएशन मिलेगी कि जिसमें नहीं तो वाला सेंस लाना होगा तो फिर आप कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए और का यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल शी मस्ट ड्राइव फास्ट टू कैच द फ्लाइट उसको तेज चलाना चाहिए क्या करने के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए दैट मीन्स उसे तेज चलाना चाहिए नहीं तो उसकी फ्लाइट क्या हो जाएगी मिस हो जाएगी या वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगी ओके शी मस्ट ड्राइव फास्ट और शी विल नॉट कैच द फ्लाइट इस तरीके से आपको दिया जा सकता है इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस यू मस्ट वर्क हार्ड न मेक लाइक दिस वर्क हार्ड और यू विल नॉट गेट सक्सेस मेहनत करो नहीं तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी अंडरस्टैंडिंग तो और का नेक्स्ट कंजक्शन येट येट मीन होता है फिर भी बहुत ध्यान से सुनिएगा येट केबल यूज कर रहा है आपको ऑल दो के साथ येट नहीं यूज करना है येट का यूज दो तरीके से होता है एक तो अकेले येट यूज किया जा सकता है या फिर इसका पेयर होता है ऑल दो येट राइट ऑलदो येट ये जो पेयर होता है ये हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ओके okay. लेकिन केवल येट का यूज आप किसमें करोगे कंपाउंड सेंटेंसेस में और येट का यूज भी वहीं करते हैं जहाँ पे बट यूज़ करते हैं राइट right? यानी कंट्रास्ट की सिचुएशन में हम यूज करते हैं येट का तो मैंने अभी आपको बताया था कि इंस्पाइड ऑफ के आने पर आप बट का यूज़ करेंगे उसी तरीके से इंस्पाइड ऑफ के आने पर आप येट का भी यूज कर सकते हैं राइट right? एक और आता है सब्सिट्यूट स्पाइट ऑफ का वो होता है नॉट विथ स्टैंडिंग याद रखिएगा नॉट विथ स्टैंडिंग भी एक कंजंक्शन होता है जो कि सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है इसका मीनिंग होता है इंस्पाइट ऑफ वर्ब वर्बाइनजी फॉर्म या इंस्पाइट ऑफ अ नाउन राइट फॉर एग्जाम्पल नॉट विथ स्टैंडिंग हिज इमेंस वेल्थ ही डिड नॉट सक्सीड इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इमेंस वेल्थ होने के बावजूद वो सक्सीड नहीं हो पाया ओके okay. सो so, किसका सेंस आ रहा है कंट्रास्ट का तो हम क्या यूज करेंगे येट ही हैड इम इन्स वेल्थ कॉमा येट ही डिड नॉट सक्सीड ध्यान रखिएगा येट से पहले हमेशा कॉमा का यूज करते हैं तो अभी आपने क्या सीखा इन स्पाइट ऑफ वर्ड एनजी आने पर या फिर नॉट स्टैंडिंग आने पर या ऑल दो आने पर आपको यूज करना है येट का तो नेक्स्ट कंजंक्शन इज सो सो का मतलब होता है इसलिए कॉज बताने के लिए हम सो so का यूज करते हैं राइट सिंपल सेंटेंसेस में आपको मिल सकता है ओइंग टू ओइंग टू का मतलब होता है ड्यू टू ड्यू टू हम लोग यूज करते हैं कॉज बताने के लिए तो अगर आपको ओइंग टू करके दे रखा है सेंटेंस में और उसको कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आप सो का यूज करोगे बिगे सो का यूज किया जाता है कॉज बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट कम टू स्कूल दैट मीन्स ही वॉज इल सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल इस सेंटेंस में आप फॉर का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन जब हम फॉर का यूज़ करेंगे तो क्लॉजेस पलट जाएंगे ही कुड नॉट कम टू स्कूल कॉमा फॉर ही वॉज इल तो जिन सेंटेंसेस में आप सो का यूज़ करते हो वहाँ पे फॉर का भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है जब हम सो का यूज़ करते हैं तो सो से पहले रीज़न बताते हैं जो भी बात है वहां पर और इसी तरीके से फॉर के बाद रीज़न देते हैं तो फॉर के बाद रीज़न वाला क्लॉज आना चाहिए और सो so से पहले रीज़न वाला क्लॉज आना चाहिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा था ही वॉज इल सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल तो सो so से पहले ही आपने क्या बताया रीजन लेकिन अगर हम इसको बनाएंगे फॉर से तो कैसे बनाया ही कुड नॉट कम टू स्कूल फॉर ही वॉज इल तो यू कैन सी अब कि हमने फॉर के बाद रीज़न बताया है जबकि सो so के साथ हमने रीज़न पहले बताया था एक और कंजंक्शन होता है देरफोर देर फोर का मतलब होता है इसलिए जहाँ पे आप सो का यूज़ करते हो वहाँ पे आप देर फोर का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा एक और आप पेयर यूज़ कर सकते हो जो मैंने पीछे नहीं बताया था वो होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो ना सिर्फ ये बल्कि ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ हम कंपाउंड सेंटेंसेस में करते हैं क्यों क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होता है तो कब यूज़ करना है आपको जब कभी भी आपको एक ही इंसान के बारे में दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हूँ या एक ही चीज़ के बारे में दो बातें बताई जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल बिसाइड्स बींग वेल्दी ही इज वाइज यानी वो इंसान ही जो है वो वेल्दी भी है और वाइज भी है बिसाइड्स का मतलब होता है साथ साथ इन एडिशन टू ठीक है बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है सिंपल सेंटेंस में वर्ब बाइनजी के साथ ठीक तो कहने का मतलब ये है कि एक ही इंसान के बारे में दो चीज़ें बताई जा रही कि वो वेल्दी भी है वाइस भी है बस ऐसे ही सिचुएशन में आपको यूज करना होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का ओके तो यू विल मेक लाइक दिस ही इज नॉट ओनली वेल्दी बट ऑल्सो वाइज वन मोर एग्जाम्पल Besides advising me, he gave me some money. Again, you can see besides जा रहा है तो याद रखिएगा रट लीजिएगा इसको not only but also लेके आना है He not only advised me but also gave me some money. एक चीज मैं आपको सिखाती चलूँ बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं not only but also का use करने पर कभी कभी कुछ बच्चे लिख देते हैं he not only advised me but gave me also some money. इस तरीके से नहीं लिखा जाता है बट ऑल्सो का यूज़ एक साथ किया जाता है यानी बट के फौरन बाद ऑल्सो लेके आना है गेव मी ऑल्सो नहीं आप यूज़ करोगे एक चीज़ और नॉट ओनली के बाद अगर आप एक्शन वर्ड ले रहे हो एडवाइज तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको एक्शन वर्ड ही लेना है जो कि है गेव ओके इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था नॉट ओनली के बाद आया था वेल्दी और बट ऑल्सो के बाद आया था वाइज यानी जिन जिन दो बातों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस uh, में चाहे वो दो एग्जेक्टिव हों चाहे वो दो एक्शन वर्ड्स हों राइट दोनों ही एक्शन वर्ड्स और दोनों ही एक्जेक्टिवस फ़ौरन बाद आना चाहिए पहला वाला नॉट ओनली के बाद और दूसरा वाला बट ऑल्सो के बाद आई विश आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे से फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा एक चीज़ और मैंने अभी आपको बताया था कि और का यूज़ करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में ठीक है जिसका मतलब होता है नहीं तो राइट आप और के प्लेस पे और एल्स भी यूज़ कर सकते हो और का मतलब भी होता है अदरवाइज और एल्स का मतलब भी होता है अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल हरी आप नॉट टू बी लेट दैट मीन्स हरी आप और एल्स यू विल बी लेट जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी इस सेंटेंस में अगर केवल और लिखते हो तो भी सही रहेगा और एल्स लिखते हैं तो भी आपका सही है तो आपने जितना भी कुछ सीखा है इसको अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं टोटल इंग्लिश तो बुक क्लास ट्वेल्व में दी गई एक्सरसाइजेस लेट्स गेट स्टार्टेड The first sentence is she was depressed owing to ill health. अभी पीछे मैंने आपको बताया था owing to का मतलब होता है due to. Owing to का use करते हैं cause बताने के लिए. तो cause के लिए आपके पास दो options होते हैं चाहे आप for का use करिए चाहे आप so का use करिए. तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ she was not well, comma. So she was depressed. Sentence number two. You must work hard to succeed in life. तो यहाँ पे सेंस आ रहा है और का नहीं तो का यानी मेहनत करो नहीं तो सक्सीड नहीं होगे यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ द नेक्स्ट सेंटेंस इज नॉट विद स्टैंडिंग सेवरल एफर्ट शी डिड नॉट सक्सीड अभी पीछे मैंने आपको बताया था नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ और इंस्पाइट ऑफ के आने पर आप ले सकते हो बट या फिर येट ओके तो द सेंटेंस विल बी शी मेड सेवरल एफर्ट्स येट शी डिड नॉट सक्सीड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वॉज अरेस्टेड फॉर रेकलेस ड्राइविंग यहाँ पे भी रीज़न बताया जा रहा है सो का यूज़ करेंगे ही ड्रोव रेकलेसली कॉमा सो ही वॉज अरेस्टेड तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दिया गया सेंटेंस में एक ही क्लॉज है हमें कितने क्लॉजेस बना देने हैं इसको दो क्लॉजेस क्यों क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस में दो क्लॉजेस होते हैं और कंजंक्शन का यूज करना है फैन बॉयज देयर नॉट ओनली बट आल्सो और एल्स का द नेक्स्ट सेंटेंस इज बिसव हिम समर्टी अभी ये भी मैंने पीछे बताया था बिसाइड्स का जब सेंटेंस आएगा तो आप वहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो लेंगे तो वी विल नॉट ओनली एजुकेटेड इज सन बट ऑल्सो गेव हिम समर्टी यू कैन सी नॉट ओनली के बाद एक्शन वर्ड एजुकेटेड आया है बट ऑल्सो के बाद गेव एक एक्शन वर्ड आया है द नेक्स्ट सेंटेंस इज दन है आंसर विल बी दन रोज एंड क्लियर

अच्छा यहाँ पे अगर कुछ बच्चे ऐसे बना दें ही स्पू बट ऑनेस्ट तो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि बट ऑनेस्ट बट के बाद जो आपका वर्ड आ रहा है वो एक क्लॉज नहीं माना जाएगा क्लॉज किसे कहते हैं क्लॉज कहते हैं एक छोटा सा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब हो तो अगर आप केवल बट ऑनेस्ट लिख दोगे तो उसमें कोई वर्ब नहीं होगी ना सब्जेक्ट होगा राइट तो आपको बट ही इज ऑनेस्ट ही लिखना है The next sentence is being unhappy, he left the hostel. Again, reason is there, cause is there, you will use either for or so. We will make like this He was unhappy, so he left the hostel. The next sentence is the sky being clear, we went for a picnic. The sky was clear, so we went for a picnic. The next sentence to our disappointment, we lost the match. We lost the match, so we were disappointed. इसके बाद असाइनमेंट सिक्स को सॉल्व करते हैं जिसमें हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटिस में कन्वर्ट करना है तरीका वही है वही चीज़ है कि आपको फैन बॉयज लेना है और जो मैंने बताए थे कंजंक्शंस वही लेना है और दो क्लॉजेस रखने हैं द फर्स्ट सेंटेंस इज द थीफ रन अवे बिक वॉज अफ्रेड ऑफ द पुलिस द बिकॉज का मतलब है आपको कॉज रीजन बताया जा रहा है तो आप लिखोगे द थीफ वॉज अफ्रेंड ऑफ द पुलिस देर फॉर ही रन अवे या सो ही रन अवे द नेक्स्ट सेंटेंस इज यू मेक सो मैनी मिस्टेक्स बिकॉज यू राइट फास्ट अगैन वी विल यूज़ देर फो यू राइट फास्ट देर फोर यू मेक सो मैनी मिस्टेक्स अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा हो कि मैम सो और देर फोर में क्या डिफरेंस होता है तो भाई कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता देर फोर आपका फॉर्मली यूज़ किया जाता है यानी पोलाइटनेस अगर आपको शो करनी है तो आप देर फोर यूज़ करोगे अदरवाइज़ आप सो यूज़ कर सकते हो तो भाई यहाँ सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं बोल तो रहे नहीं तो कैसे पहचानेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल तो बच्चा आप ये देखो कि जहाँ भी शिकायत की बात हो रही हो या किसी के गलती बताई जा रही हो तो वहाँ पे डेयर का यूज़ कर लो राइट right? क्योंकि हमें किसी की गलती बताने के लिए पोलाइटनेस का यूज़ करना चाहिए दैट इज़ वाई वहाँ पर आप डेढ़ लिख लो अदरवाइज आप सो भी लिख सकते हो अब सेंटेंस नंबर थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल सेम है दोनों में ही नहीं तो का सेंस आ रहा है इफ़ यू डो नॉट ईट वेल यू विल बी वीक यू मस्ट ईट वेल और यू विल बी वीक

तो यू कैन मेक लाइक दिस आई मस्ट भी इन्वाइटेड एंड आई शेल कम फॉर द फंक्शन तो ऐसे ही सेंटिस को जिसमें कोई रीजन या कॉज नहीं दिया होता है ऐसे ही क्लॉज को हम एंड से कम्बाइन कर देते हैं सेंटर्स नंबर सेवन वैन द सन सेट वी केम बैक टू द हॉस्टल इसको भी एंड से बनाएंगे आप द सन सेट एंड वी केम बैक टू द हॉस्टल सेंटर्स नंबर एट भी एंड से ही बनेगा एज सुन एज आई हार द न्यूज़ आई लेव द प्लेस आई हार द न्यूज़ एंड इमीडिएटली लेव द प्लेस

The next sentence is I shall not accept their proposal unless I am paid well. They must pay well and I shall accept their proposal. The next sentence is the game began when everyone had arrived. We will make like this everyone arrived and the game began. तो लास्ट सेंटेंस हैड यू कम इन टाइम आई वुड हैव हेल्प यू जो लास्ट सेंटेंस है ये आपके कंडीशनल सेंटेंस का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैड यू कम मतलब है इफ़ यू हैड कम अगर तुम टाइम पे आ गए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर पाता यानी ये, ये सेंटेंस पास्ट रिग्रेट को शो कर रहा है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सो so, क्योंकि कॉज बताया जा रहा है यू हैड नॉट कम इन टाइम सो आई डि नॉट हेल्प यू तुम टाइम पर नहीं आए थे इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया How did you find my explanation? Let me know in the comment box. If you really liked it, please share with your friends. Thank you for watching.